हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एबर्ट इंडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 2 अगस्त 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की दे दी है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट इजिली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एबर्ट इंडिया में सबसे पहले फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एबर्ट इंडिया जो है फ्राइडे के दिन 4.50% की अपसाइड मूवमेंट दिया है और यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 19,012.75 पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इसने जो है अपने डे रेंज और 52 वीक रेंज को भी यहाँ पे जो है क्रॉस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,244 जो है अब इसका जो है एक 52 रेंज नया बन चुका है, मतलब इसने अपने 52 वीक हाई को भी क्रॉस कर लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मंडे के दिन क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में इसमें क्या और अपसाइड मोमेंट देखने मिल सकती है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जाते हैं मंडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट हमें बता रहा है लो वॉल्यूम, मतलब जो है एवरेज वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम है, लेकिन ये जो मोमेंट जो है प्राइस का वो एक बड़ा जंप है। मतलब यहाँ पे जो है लोग जो है अपने शेयर्स को बेच बहुत कम रहे हैं और यहाँ पे खरीदने वाले जो है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो एक बड़ा अपसाइड मोमेंट आया है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है एक स्टॉक के लिए, मतलब इसका जो डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है लोग जो है बाय कर रहे हैं और सेल वाले जो है अभी भी इसको, मतलब जिसने होल्ड करके रखा है वो अभी तक होल्ड कर रहे हैं, इसको सेल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं और देखते हैं 1 आवर के चार्ट में मंडे के दिन आपको क्या देखने मिल सकता है और आने वाले दिनों में इसमें क्या और 52 वीक हाई क्रॉस होते हुए दिख सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट जो है हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे फिलहाल जो इसका एक सपोर्ट जोन जो बन सकता है वो बन सकता है यहाँ पे जो है इसका 12700 का जो है एक रेंज, 18700 का जो रेंज है वो एक इसका अच्छा खासा जो है एक सपोर्ट जोन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेजर यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमें थोड़ा सा क्लियर विजन मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा जो है एक ये जो रेंज है, मतलब 18805 का जो है एक छोटा सा अच्छा रेंज जो है मिल सकता है। और यहाँ पे जो अगला जो सपोर्ट जोन जो मिल सकता है वो मिल सकता है 18545 का। तो यहाँ पे इवन दो 18545 का जो है मेजर सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेजर सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो है 18805 का यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ पे जो उसका अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो मोस्टली जहाँ पे अभी वो फिलहाल खड़ा है एग्जैक्ट वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे ही खड़ा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है फिलहाल जो है स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बता रहा है। मोस्टली यहाँ पे मंडे के दिन जो है आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकती है, इवन जो ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन नॉर्मल से एक अपसाइड मोमेंट देखने मिल सकती है, या फिर जो है इस मतलब 18,545 से लेके 19,009 के बीच में जो है आपको जो है ये स्टॉक क्लोज होते हुए मिल सकता है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे जो 18,805 से लेके 19,009 के बीच में जो है वो मिल सकता है मोस्टली, और यहाँ पे 18,545 और 18805 का जो अच्छा सपोर्ट एरिया आपको देखने मिल सकता है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।